हेलो एंड वेलकम बैक आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ सो स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस टॉपिक को स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया था दैट इज़ ग्लोबल इकोनॉमी इट्स सिग्निफिकेंस एंड एंकर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने ग्लोबल इकोनॉमी क्या होती है ग्लोबल गवर्नेंस क्या होती है क्या इसके मैकेनिज़म्स हैं क्या क्या इसके जो एंकर्स हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कशन किया अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें हमने जो उसका फ़र्स्ट एंकर है डेट इज़ आई यानी कि इंटरनेशनल मोनिट्री फंड उसके क्या मीनिंग है कैसे वो फॉर्म हुआ क्या क्या उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या उसका रोल रहा है एंड साथ ही प्रेजेंट टाइम के अंदर उसका जो रोल है वो किस टाइप से चेंज हुआ है इन सभी को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया है वहीं स्टूडेंट्स आज ग्लोबल पॉलिटिक्स के उसी टॉपिक का ये पार्ट टू है जिसके अंदर हम जो इसका सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका एंकर है डेट इज़ वर्ल्ड बैंक उसके बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक का क्या मीनिंग है कैसे ये फॉर्म हुआ है क्या क्या इसकी फाइव डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है इसका साथ ही इसका जो रोल है वो कैसे वाइडर हुआ है कैसे इसका रोल चेंज हुआ है सो so स्टूडेंट्स इन सभी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर सो so आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड समझें वर्ल्ड बैंक के मीनिंग फॉर्मेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड चेंजिंग रोल को सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स अगर हम वर्ल्ड बैंक के एकदम क्लोजली अगर हम देखें कि क्या है वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है क्या इसके मायने हैं क्या इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं तो अगर हम एक समरी टाइप में देखें तो देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो ये है कि द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट दैट इज़ जो वर्ल्ड बैंक है वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स जो है वो प्रोवाइड करता है ठीक है गवर्नमेंट को ए, लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ के फॉर द पर्पस ऑफ़ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट ठीक है स्टूडेंट्स वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक के मोटो की बात करें क्या इसका उद्देश्य है किस मोटो के साथ ये वर्क करती है तो देखिए इसका जो मोटो है वो ये है कि वर्किंग फोर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पावर्टी वहीं अगर इसके टाइप के बारे में बात करें इसका टाइप है मोनेट्री इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वहीं अगर हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो फॉर्म इस ये जो वर्ल्ड बैंक है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है इस ये फॉर्म हुई है जुलाई 1944 के अंदर वहीं अगर हम इसके हेडक्वाटर की बात करें इसका हेडकोवाटर भी वाशिंगटन डीसी के अंदर है अगर इसके हम मेंबरशिप की बात करें कि कितने कंट्रीज़ प्रेजेंट टाइम के अंदर इसके मेंबर हैं तो देखिए जितने मेंबर आईएमएफ के हैं उतने ही मेंबर वर्ल्ड बैंक के हैं डेट इज़ 189 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं वहीं इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानते हैं सो so, ये वर्ल्ड बैंक का कुछ समरी टाइप है आई होप आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग गया होगा कि आखिरकार वर्ल्ड बैंक है क्या सो द वर्ल्ड बैंक इज इन द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल मोनिट्री फंड बहुत ऑर्गेनाइजेशंस वर क्रिएटेड बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट सो स्टूडेंट्स देखिए जो वर्ल्ड बैंक है इसके अंदर जो फर्स्ट मेनली पॉइंट आता है वो ये है कि इट इज़ द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि ये एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ का देखिए जब आईएमएफ बना उसी के अलॉन्ग जो ये वर्ल्ड बैंक है उसका भी फॉर्मेशन हुआ ठीक है स्टूडेंट्स ये जो है ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि गिविंग लॉन्ग टर्म लॉ इंटरेस्ट लोन्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गारंटीड प्रोजेक्ट इन मिडल इनकम और क्रेडिट वर्थी पुअर नेशंस देखिए स्टूडेंट सिंपली अगर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कहें तो ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉन्ग टर्म जो है ठीक है लो इंटरेस्ट पर लोन जो है वो प्रोवाइड करती है वो देती है ठीक है एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस जो कि एक टेक्निकल असिस्टेंस होता है उसको भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के लिए ठीक है स्पॉन्सर्ड गारंटिड प्रोजेक्ट जो कि उनके गारंटिड प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए इन मिडल इनकम और क्रेडिट वर्थी पुअर नेशंस ठीक है जो पुअर नेशंस हैं जो गरीब नेशंस हैं उनके लिए भी ये लोन जो है लॉन्ग टर्म के बेसिस पर प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स अगर हम सिंपली कहें वर्ल्ड बैंक को सो ये एक टिपिकल बैंक एक टिपिकल बैंक की तरह है ठीक है ये जो है ये एक टिपिकल बैंक है जो कि लोन देती है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के द्वारा जो सपोर्टेड प्रोजेक्ट होते हैं ठीक है यो नो you know, जैसे कि जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के जैसे एनजीओ वगैरह हो गए उनके जो लॉन्ग टर्म प्रो जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए ही क्या करती है ये लोन जो है वो प्रोवाइड करती है ठीक है और जो पुअर कंट्रीज़ हैं ठीक है उनके लिए भी लोन जो है वो प्रोवाइड करती है देखिए इसमें जो मेन जो हाईलाइट है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म ठीक है एंड लो इंटरेस्ट लोन जो है वो प्रोवाइड करती है दैट इज़ ये तीस पैंतीस साल तक लो इंटरेस्ट के बेसिस पर लोन जो है वो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके लिए ठीक है स्टूडेंट्स देखिए जो ये वर्ल्ड बैंक है इसके अगर एक्चुअल नेम के बारे में अगर बात करें तो इसका जो एक्चुअल नेम था वो ये था कि आई बी आर टी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सो ये इसका एक्चुअल नेम था देन इट वॉज सेटअप इन नाइनटीन फोर्टी फोर अलॉन्ग विद आई एम एफ एज आउटकम ऑफ ब्रेटन वोड एग्रीमेंट टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन टू यूरोपियन कंट्रीज फॉर रिकन्स्ट्रक्शन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक है डैट इज़ आई जो है इसका जो सेटअप हुआ था वो जुलाई 1944 के अंदर हुआ था अलोंग विद द आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है ठीक है उसके साथ इसका फॉर्मेशन हुआ इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ ठीक है एज आउटकम ऑफ ब्रेटन वोड एग्रीमेंट ये भी ब्रेटन बोर्ड एग्रीमेंट का ही एक उदाहरण है ठीक है ब्रेटन वोड एग्रीमेंट के तहत ही इसकी भी स्थापना करी गई इसका फॉर्मेशन करा गया ये एक पर्पज़ के साथ वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन यानी कि कंसेशनल लोन जो है वो प्रोवाइड कराना यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए फॉर रिकन्स्ट्रक्शन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड यानी कि देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो भी जि, जिस भी नेशन के लिए जिस भी कंट्री के लिए कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता थी ठीक है उन कंट्रीज जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे ठीक है उनके लिए हेल्प करने का एक तरीका था ठीक है उनके लिए एक तरीके से लोन जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई डेट इज़ आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि देखिए वर्ल्ड जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था उसके बाद जो भी क्षति हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर यूरोपियन नेशन्स के अंदर उस क्षति को अच्छी तरह करने के लिए ठीक है दोबारा कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिकन्स्ट्रक्ट के लिए ठीक है उनके लिए लोन प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई इसका फॉर्मेशन करा गया वहीं सिंस नाइनटीन सिक्सटीज़ इट हैज़ चेंज्ड एंड वाइड एंड इट्स रोल देखिए उन्नीस सौ साठ के बाद इसका जो रोल था ठीक है वो चेंज हुआ ठीक है इसका जो नेचर था वो बिल्कुल वाइडर हो गया नाउ इट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट टू द गवर्नमेंट अभी इसका क्या रोल रहा कि ये प्रोवाइड करने लगा लोन्स एंड ग्रांट टू द गवर्नमेंट ऑफ़ पुअर कंट्री जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट्स के लिए ठीक है एम्ड टू रिड्यूस पवर्टी एक इसका एम था डेट इज़ पवर्टी को रिड्यूस करना हंगर को रिड्यूस करना क्लीनर इन्वायरमेंट के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एजुकेशन के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देखिए सबसे बड़ी बात जो है इसमें यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसने लोन जो है ठीक है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करा पुअर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के लिए वहीं स्टूडेंट्स अगर हम इसके गवर्निंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि, कि किस टाइप का इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर है सो मेंबर नेशंस ऑफ आईएमएफ एम यानि कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स मेंबर करंटली वन एटी नाइन मेम्बर यानी कि देखिए जो मेम्बर आई के हैं ठीक है वो ऑटो जो 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 हैं यानी कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि 189 मेंबर जो हैं वो आई के अंदर हैं दैट इज जो मेंबर आईएमएफ के हैं वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर होते हैं ठीक है यानी कि 189 मेंबर वर्ल्ड बैंक के भी हैं एंड 189 मेंबर ही आईएमएफ के हैं ठीक है, है? वहीं 25 फाइव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रन द डे टुडे ऑपरेशन ऑफ द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर देखिए जो इसमें पच्चीस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो रन करते हैं द डे टू डे ऑपरेशन जो डेली के जो ऑपरेशन्स होते हैं ठीक है बैंक के उनको ये रन करने का काम करते हैं ऑन द बिहाफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ठीक है वहीं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ़ द बैंक इज़ कॉल्ड प्रेजिडेंट यानी कि देखिए इस बैंक का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसको हम प्रेजिडेंट के नाम से जानते हैं जो कि हेड हेड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ठीक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फंक्शंस ऑल्सो एज डायरेक्टर वहीं नेक्स्ट जो है वो ये है कि ईच मेंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नर देखिए इसके अंदर जो हर एक मेंबर होता है ठीक है वो उसको वो वो रिप्रेजेंट करा जाता है गवर्नर के द्वारा ठीक है बोर्ड ऑफ गवर्नर इज़ द हाईएस्ट डिसीज़न मेकिंग बॉडी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जो बीओजी होता है वो एक हाइस्ट डिसीज़न मेकिंग बॉडी होता है वर्ल्ड बैंक के अंदर वहीं इसके जो अगर हम इसके अगर हम सोर्सेज ऑफ़ फ़ंड्स की बात करें कि कहाँ से ये फंड्स प्राप्त करता है कहाँ से इसके फंड्स आते हैं तो बाय सेलिंग वर्ल्ड बैंक बॉन्ड्स देखिए इसके खुद के बॉन्ड्स हैं जिनको ये इन्वेस्टर्स को एंड कंट्रीब्यूशंस को देता है ठीक है कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम मेंबर्स जो देखिए एक तो ये अपने वर्ल्ड बैंक के जो बॉन्ड्स हैं उनको इन्वेस्ट करता है ठीक है उनको इन्वेस्टर को देता है एंड जो भी कंट्रीब्यूशंस आता है मेंबर्स के द्वारा उसके साथ इसके फ़ंड जो हैं वो रेज़ होते हैं ये इसका सोर्स ऑफ फंड है वहीं वोटिंग राइट्स ठीक है अगर हम इसके वोटिंग राइट्स की बात करें जैसे कि आईएमएफ के अंदर है कि इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ के द्वारा जो जितना शेयर जो करता है ठीक है जो जितना शेयर करता है उसके बाद उत उतना ज़्यादा वोटिंग राइट होता है डेट इज़ जैसे कि आई के अंदर था कि जो अमेरिका है वो साढ़े सत्रह परसेंट के लगभग शेयर करता है ठीक है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो उसमें सब ज़्यादा वोटिंग राइट right है इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक के अंदर भी अमेरिका का ही दबदबा है दैट इज शेयर ऑफ द कैपिटल स्टॉक हेल्ड बाय द मेंबर सो दिस इज द गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक वही स्टूडेंट्स आइए अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि डब्ल्यू की तो ये क्या है सो देखिए इट इज एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप कंप्राइजिंग 189 कंट्रीज एंड फाइव कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशन वर्क टू वार्ड रेडिकेटिंग पवर्टी एंड क्रिएटिंग प्रोस्पेरिटी देखिए ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जो कंप्राइज करती है वन एट्टी नाइन कंट्रीज के साथ एंड फाइव कॉन्स्टिट्यूंट जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ ठीक है ये एक साथ वर्क करती हैं टू वार्ड रेडिकेटिंग पवर्टी पवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एंड प्रोस्पेरिटी क्रिएट करने के लिए द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग एंड नॉलेज फॉर द डेवलपिंग नेशन सो दिस इज़ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप वहीं स्टूडेंट्स अगर हम इसकी जो फाइव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैं ठीक है अंडर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप उनके बारे में बात करें तो देखिए कौन कौन सी वो पाँच डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ ये काम करती है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एंड प्रोस्पेटी को क्रिएट करने के लिए सो दीज़ आर इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट डेट इज़ आई बी आर डी देन नेक्स्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन डेट इज़ आई डी एन नेक्स्ट International Finance Corporation, that is IFC, and then next, Multilateral Guarantee Agency, that is, I, that is MIGA, and at last, International Center for the Settlement of Investment Dispute, that is ICSID. So, these are the five development institutions under the World Bank Group. स्टूडेंट्स देखिए इसमें एक पॉइंट जो है नोट करने के लिए वो ये है कि द आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो हैं ये टुगेदर काम करती हैं फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक ठीक है वर्ल्ड बैंक को फॉर्म करने के लिए वहीं स्टूडेंट्स अगर हम सिंपली देखें कि क्या क्या इसके मायने हैं कि जो वर्ल्ड बैंक की जो डिफरेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कब इसका फॉर्म हुआ क्या क्या इसके वर्क हैं ठीक है इंडिया किस किस कौन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसका मेंबर है ठीक है अगर इन सभी के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दैट इज़ आईबीआरडी की तो ये फॉर्मड हुआ है 1944 के अंदर इसका वर्क है प्रोवाइडिंग लॉन्स ग्रांट एंड क्रेडिट ठीक है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस, इसका जो है ये मेम्बर है वहीं दैन नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन डेट इज़ आई डी ए इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है नाइनटीन सिक्सटी के अंदर इसका अगर हम वर्क की बात करें तो इसका वर्क है कि प्रोवाइडिंग लो और नो इंटरेस्ट लॉन्स टू पुअर कंट्रीज़ अगर हम इंडिया की बात करें तो हाँ इंडिया इसका भी मेम्बर है वहीं दैन नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन दैट इज़ आईएफसी ये इसका जो फॉर्मेशन है वो ये है कि 1956 के अंदर ये फॉर्म हुई अगर इसके वर्क के बारे में बात करें तो ये इसका जो वर्क है वो ये है कि प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड असस्ट मैनेजमेंट सर्विस टू फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एल अगर हम इसकी इंडिया की बात करें तो इंडिया इस इंस्टीट्यूशन का भी मैंबर है वहीं दैन नेक्स्ट है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी डेट इज़ एम आई जी ए इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो है नाइनटीन एट्टी एट के अंदर इसका जो वर्क है वो ये है कि ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटीज़ अगर हम इंडिया की बात करें तो हाँ इंडिया इस इंस्टीट्यूशन का भी मेम्बर है वहीं एट लास्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट दैट इज़ आई सी एस आई डी इसका जो फॉर्मेशन है वो है नाइनटीन सिक्सटी सिक्स इसका जो वर्क है फंक्शंस एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं तो देखिए इंडिया जो है वो आई सी एस आई डी का मेंबर नहीं है सो दीज आर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशंस आई होप आपको थोड़े बहुत तो जानकारी मिली होगी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में वहीं स्टूडेंट्स लास्ट स्लाइड के अंदर अगर हम इसके चेंजिंग रोल के बारे में डिस्कशन करें कि, कि किस टाइप्स इसका जो रोल है वो वाइडर हुआ एंड चेंज हुआ सो so, देखिए इनिशियल रोल वाज टू प्रोवाइड लोन्स टू रीबिल्ड व रेबेस्ड यूरोप देखिए जैसे कि आपको पता चल चुका है कि इसका जो इनिशियल रोल था वो ये था कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर लोन जो वो है वो प्रोवाइड कराना ठीक है टू रीबिल्ड व रेबेस्ड यूरोप जो यूरोप में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके बाद जो हानि पहुंची थी नेशंस को क्षति हुई थी उनकी पूर्ति के लिए ये बिल्ड करा गया ठीक है वहीं लेटर इट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग लॉन्स टू प्रोजेक्ट रिलेटेड टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए लेकिन कुछ समय बाद इसने स्टार्ट कर दिया प्रोवाइड करना लॉन्स टू प्रोजेक्ट रिलेटेड टू फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेट इज़ ट्रांसपोर्टेशन टेली कम्युनिकेशन वाटर प्रोजेक्ट सेक्टर यानी कि जहाँ से भी इनकम जो है वो जनरेट होती है उनके लिए इसने लॉन्स जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया ठीक है कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इनकम दैन नेक्स्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट बाई ब्रॉडर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट देखिए ये भी आई एम एफ़ की तरह ही स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को प्रो जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है उसको ये प्रोत्साहित करता है ठीक है ये उसको सपोर्ट करता है एंड लॉन टू मिडल एंड लो इनकम नेशन इट नाउ डील्स विद अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए जितने भी ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज हैं रिलेट जो कि रिलेटेड हैं पूरी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जैसे कि पॉपुलेशन एजुकेशन हेल्थ सोशल सिक्योरिटी एनवायरमेंट कल्चर एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड पवर्टी एलिवेशन तो ये जितने भी तमाम जो इशूज़ हैं जो रिलेटेड हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से उनके लिए भी ये ब्रॉड रेंज में जो क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म जो लोन्स है वो प्रोवाइड करता है ठीक है देखिए जो ये वर्ल्ड बैंक है ये अपने आप को नॉलेज बॉक्स मानता है क्योंकि इसके पास सारी जानकारी हैं ठीक है ये कहता है कि वेयर इट इट वेयर इट ट्राई टू पोजिशन इट सेल्फ एज दज़ द रिपस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज़ यानी कि जितने भी डेवलपमेंट होते हैं नेशनस के अंदर कंट्रीज़ के अंदर उनकी जो पॉलिसीज़ मेकिंग होती हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है वर्ल्ड बैंक का ठीक है सो वर्ल्ड बैंक एक्सटेंड लॉन्च टू नेशन स्टेट एंड सब नेशनल गवर्नमेंट देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो एक्स वो एक, उसने जो अपना रोल है वो एक्सटेंड करते हुए लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट करा नेशन स्टेट के लिए सब नेशनल गवर्नमेंट्स के लिए जैसे यूपी गवर्नमेंट हो गई हरियाणा गवर्नमेंट हो गई बिहार गवर्नमेंट हो गई यानी कि जो सब नेशनल गवर्नमेंट है ठीक है जो रीजनल गवर्नमेंट है उनके लिए भी लोन जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करा टू डील विद द वेराइटी ऑफ गवर्नेंस मैटर सच एज़ पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लीगल एंड जुडिशल रिफॉर्म ह्यूमन राइट्स एंड ब्रॉडर पॉलिसी रिफॉर्म देन ऐट लास्ट जो एन जी ओज होते हैं जो विमिन होती हैं सिविल सोसाइटी होती है एंड अफेक्टेड पीपल्स जो होते हैं हैव ग्रोन इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय द बैंक सो इस प्रकार वर्ल्ड बैंक का जो रोल है इनिशियल से ले इनिशियल पोजिशन ले कर एंड प्रेजेंट टाइम तक इस तरह से वो चेंज हुआ है सो दिस इज़ द चेंजिंग रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक सो देखिए द ओरिजिनल फोकसड ऑन द आई बी आर डी वॉज द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज रेवेस्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड फॉर थ्रो लॉन्स Gradually, there was a shift from reconstruction to development with a particular emphasis on infrastructure, power, grids, roads, and transportation, dams, etc. Then, next, the other institutions such as the IDA, IFC, etc. were formed over the years, and all five institutions, that is, IBRD, IDA, IFC, MIGA, and ICSID, came to be called the World Bank Group.

ठीक है कोई भी नेशन जो है कोई भी कंट्री जो है कैसे वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकता है सो देखिए टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप आ कंट्री मस्ट फर्स्ट बिकम आ मेंबर ऑफ द आईएमएफ देखिए सबसे पहला काम यह है वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए कि आपको मेंबर होना चाहिए आईएमएफ का भी यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का टू बिकम मेंबर

मैंबरशिप फॉर द आई सी एस आई डी इज़ सब्जेक्ट टू ऑल द फॉलोइंग कंडीशन अगर आपको आई सी एस आई डी का मैंबर बनना है तो कुछ इसके कंडीशनस हैं दैट इज़ आई बी आर डी मेम्बरशिप होना पार्टी टू दार्टी टू द स्टेचू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इनोवेशन ऑफ द आई सी एस आई डी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बाई अ वोट ऑफ टू थर्ड ऑफ इट्स मेंबर्स सो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप किस टाइप से किस तरह मेंबरशिप ले सकते हैं वर्ल्ड बैंक की सो so देखिए अगर हम इस वीडियो को के क्रैक्स के बारे में बात करें कि क्या इसका जो क्रैक्स है ठीक है क्या इसके लर्निंग आउटकम्स हैं तो डैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये एक जो कि लोन जो है वो गिविंग करती है टू प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ठीक है देखिए आप डिफरेंस कर सकते हैं कि जैसे आर बी आई आर बी आई मतलब कि जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ उन्हें जोड़ा था एंड जो स्टेट बैंक होते हैं स्टेट बैंक यानी कि जैसे वर्ल्ड बैंक ठीक है जिस तरह आर बी आई एंड स्टेट बैंक में डिफरेंस होता है उसी प्रकार आई एम एफ एंड साथ ही जो वर्ल्ड बैंक है इन दोनों में डिफरेंस है ठीक है ये जो है ये गिविंग लॉन्ग टर्म लॉन्स फॉर प्रोजेक्ट ये एक लॉन्ग टर्म लॉन् जो है प्रोवाइड करता है जो प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है गेट्स इट्स फंड मेनली बाय सेलिंग बॉन्ड इसके जो फंड्स की अगर हम बात करें तो ये मेनली कहाँ से आते हैं सेलिंग बॉन्ड्स के साथ ठीक है मे डील विद ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जितनी लेवल्स की गवर्नमेंट होती है सबके साथ ही डील करती है चाहे कोई सब नेशनल गवर्नमेंट हो ठीक है या फिर कोई रीजनल गवर्नमेंट हो एंड सो ऑन वहीं इट में डील विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर मल्टीलेटरल एंड इट्स एन वहीं ये फोकस करती है माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट पर सो दीज आर द मेन पॉइंट्स अबाउट वर्ल्ड बैंक आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी मिली होगी एंड आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल या फिर यूज़फुल हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें एंड आप जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी हमारी वीडियोस की जो भी आने वाली वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी आपसे कोई भी टॉपिक कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो स्टूडेंट्स अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लगी है है या बुरी लगी है, तो आप आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं वहां है। पर पोस्ट कर सकते हैं so, students, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होम स्टे सेफ स्टेंडोर्स